ध्यान दीजिए कि जब आप चीजों को मेंशन करते तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन मैंने बता दिया था, और कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में जो है यही डायग्राम मैंने शो किया था, जिसमें आप जो है शो कर रहे थे कि भैया एक एक्टिव साइट है और इस एक्टिव साइट पे जो है सबस्ट्रेट और इनहिबिटर जो है वो दोनों बाइंड करते हैं और कम्पीट करते हैं, और कम्पीट करते हैं तो आपके पास या तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा या तो एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनेगा, और अगर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा तो उससे प्रोडक्ट बनेगा। तो इस चीज को देखिए यहाँ पे शो किया गया कि अगर एंजाइम से या तो सब्सट्रेट बाइंड कर सकता है या तो इनहिबिटर बाइंड कर सकता है, अगर एंजाइम से सब्सट्रेट बाइंड करेगा तो एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, और फिर एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स से जो है फिर जो है एंजाइम और प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स जो है यहाँ पे बनता है, और फिर एंजाइम इनहिबिटर के ऊपर बात करें तो ये एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनेगा और ये है KI। तो KI के ऊपर जब बात करते हैं तो मैं बता चुका हूँ कि KI जो है वो अफिनिटी ऑफ एंजाइम टुवर्ड्स द इनहिबिटर को डिफाइन करता है, या रेट कॉन्स्टेंट है इनहिबिटर बाइंडिंग का, और I जो है इनहिबिटर का कॉन्सेंट्रेशन है। इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे ये होता है कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान जो KM है वो जो है बेसिक तौर पे इंक्रीज होता है और Vmax पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसी वजह से जो है आपका ये कॉन्सेप्ट या ये फॉर्मूला जो है डिराइव होता है। तो वी नॉट जो हो जाता है वो Vmax एस अल्फा अपॉन KM, ये वो कॉन्सेप्ट आ जाएगा, और अल्फा की वैल्यू जो है मैं डिफाइन कर चुका हूँ कि 1+I/KI है, और KI को जो है इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। माइकलिस मेंसन इक्वेशन जो कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन का होगा और LB इक्वेशन जो होगा वो यहाँ पे शो किया गया। कहने का मतलब यह है कि आप KM की जगह KM अपेरेंट लिखेंगे, और KM अपेरेंट जो होगा वो KM इंटू अल्फा होगा, और यहाँ पे अल्फा का पूरा फुल फॉर्म लिखा गया 1+I/KI, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में अल्फा भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे जो है KM अल्फा लिखा गया KM/Vmax। और अगर आप ध्यान से समझ पा रहे हो तो KM बढ़ रहा था और Vmax पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ये वाला चैप्टर अगर जो है यहाँ पे जो मैंने समझाया था दिस वन, ठीक है, इस चीज को लेके चलना। अब यही जो है आपको ग्राफ जो होता है ना, वो ग्राफ जो माइकलिस मेंशन का हो या जो ग्राफ आपके बाकी का हो उनको बताने में बहुत हेल्प करता है। तो अब मैं धीरे धीरे, आपने कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का बेसिक्स पढ़ लिया है, काइनेटिक्स पढ़ लिया है अल्फा का कहाँ पे क्या होगा, अब बात आती है ग्राफ की। तो ग्राफ का जो कॉन्सेप्ट होता है ना वो आपके इन्हीं चीजों पर जो है निर्भर करेगा इस पे, ठीक है, समझिएगा कि मैंने कॉम्पिटिटिव और चीजों को ग्राफ को कैसे जो है लेके चलना। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का केस। तब जो कॉम्पिटिटिव में देखोगे तो KM बढ़ रहा है, Vmax कांस्टेंट है, अगर KM बढ़ेगा तो 1/KM क्या होगा घटेगा, और 1/Vmax क्या होगा कांस्टेंट होगा। समझ में आ रही कुछ बात या नहीं? अरे हाँ ना, ये कुछ कहानी बनेगा, ठीक है। अब जरा इस चीज को देखिए और इसको अप्लाई करिए, ग्राफ कैसे जो है इनहिबिटर का चलने वाला है। तो मैंने अगर नॉर्मल अगर S माइकलिस मेंशन की बात करो तो ये है S, और इधर की तरफ बात करो तो वो है V। तो ये ग्राफ जो है वो S वर्सेस V का ग्राफ है जो आप देख पा रहे हैं। अब इसमें विदाउट इनहिबिटर और विथ इनहिबिटर का ग्राफ जो है वो शो किया जाता है, और कैसे बना रहेगा उसकी बात की करते हैं। तो इसमें ये सबस्ट्रेट को मैंने इधर की तरफ शो किया है और वेलोसिटी को इधर की तरफ शो किया। अब विदाउट इनहिबिटर यानी जब कोई इनहिबिटर नहीं है तो उस वक्त अल्फा की वैल्यू होती 1, व्हेन देयर इज नो इनहिबिटर तो I कॉन्सेंट्रेशन 0 हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1+I 0 हो जाएगा, तो 0/KI 0 हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 1। तो जब कोई इनहिबिटर नहीं होगा तो अल्फा की वैल्यू होती है 1। तो जब कोई इनहिबिटर नहीं था तो आपके पास जो ग्राफ था वो आप देख रहे हैं कि ये था विदाउट इनहिबिटर, कोई इनहिबिटर नहीं था। अब इस ग्राफ को अगर थोड़ा सा ब्यूटीफुली ऑब्जर्व करिए तो इस ग्राफ का जो है यहाँ पे देखिए Vmax शो किया गया है, ये वैल्यू उसका Vmax/2, और Vmax/2 पे जब आप चीजों को कैलकुलेट करेंगे तो यहीं से इसका निकलेगा KM। KM जो है ये आ गया उस ग्राफ का जिसमें कि कोई इनहिबिटर नहीं था, विदाउट इनहिबिटर था। अब क्या होगा कि आप जैसे ही इनहिबिटर आया और कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर आया तो कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर में Vmax जो है वो चेंज नहीं होता, Vmax इज नॉट गोइंग टू चेंज, Vmax जो है चेंज होने वाला नहीं है, जो चेंज होता है वो क्या होता है KM। तो देखिए Vmax वही का वही, Vmax चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन उसमें जो है Vmax/2 भी चेंज नहीं हो रहा, जो चेंज हो रहा है वो है KM। अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए तो α2 का मतलब है कि यहाँ पे इनहिबिटर आया, इनहिबिटर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, और बढ़ने की वजह से यहाँ पे KM भी जो है वो बढ़ गया, क्योंकि इनहिबिटर कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर KM को बढ़ा देता है, तो KM से 1 KM से क्या हो गया 2 KM।
अगर ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि बढ़ गया। वैसे ही अगर इनहिबिटर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो फिर से वो इधर से इधर बढ़ जाएगा। देखिए, तो इस तरीके से अगर आप थोड़ा सा समझ पा रहे हो और चीजों को लेके जा रहे हो, तो किस तरीके से जो है KM आपका विथ द इनहिबिटर बढ़ रहा है, लेकिन वी मैक्स पे कोई भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। तो वी मैक्स जो है वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वी मैक्स वहीं का वहीं रहेगा, जो फर्क पड़ रहा है वो KM का पड़ रहा है, और KM क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इस तरीके से जो है ग्राफ को आप प्लॉट कर सकते हैं और चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। ये ग्राफ दिया गया है किसमें, वॉइट एंड वॉइट के ग्राफ में, ठीक है, वॉइट एंड वॉइट का। लेकिन इस ग्राफ में एक त्रुटि है, मतलब एक मिस्टेक जैसी चीज है। मैं ग्राफ को प्लॉट करना सिखा रहा हूं, मैं एक सिखा दूंगा आपको सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाएगी, ठीक है। त्रुटि ये है कि आप अगर वीमैक्स को कांस्टेंट रखना है, लेकिन अगर आप देखें तो इसका जो है लेयर इतना है, ये वीमैक्स के ज्यादा करीब है, ये तो बहुत करीब है, ये वीमैक्स बाई 2 के करीब आ जा रहा है इसका वीमैक्स। तो आप कैसे कहोगे कि वीमैक्स जो है सभी का कॉन्स्टेंट है? तो ऐसे चीजों पर मतलब इस ग्राफ को थोड़ा सा त्रुटि यानी मिस्टेक्स जो है एग्जैक्ट एक्यूरेट नहीं है। तो कैसे फिर ड्रॉ करोगे कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन का ग्राफ? अब मैं थोड़ा सा सिखा दे रहा हूं, चाहे कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन का मैकलिस मेंशन ग्राफ हो, चाहे कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन का जो है LB ग्राफ हो, दोनों को ड्रॉ कर देता हूं। बाकी का ग्राफ जो है वो आप ड्रॉ कर सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं तो कैसे आप ड्रॉ करोगे। कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन में ए, आपने देखा कि भैया KM जो है वो इंक्रीज हो रहा था और जो है वी मैक्स वो कांस्टेंट था, यही चाहिए बस आपको, ठीक है, सिंपल। अगर KM इंक्रीज हो रहा था तो 1/KM क्या होगा, 1/KM डिक्रीज होगा, और वी मैक्स कांस्टेंट था तो 1/VMAX भी क्या होगा, वो भी कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है, बस बात इतनी सी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं दैट इज योर माइकलिस मेंशन ग्राफ की। मैंने यहां पे S रख लिया और यहां पे रख लिया आपके पास दैट इज वी, एक हाइपरबोलिक ग्राफ मैंने बना भी दिया। अब इस हाइपरबोलिक ग्राफ से जो है लगभग ये देखेंगे तो ये मैंने वी मैक्स रखा, और इस वी मैक्स का जो है यहां पे आप रखोगे तो ये हो गया इसका वी मैक्स बाई 2, और वहां से ये वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी के। तो आपने ये जो है वी मैक्स बाई 2 हो गया ये, और वहां से ये वैल्यू आ गई के। ये जो ग्राफ है वो इनहिबिटर का है या नो इनहिबिटर का है? ये विदाउट इनहिबिटर है, और नो इनहिबिटर का मतलब अल्फा की वैल्यू 1 है और इससे बढ़ती चली जाएगी फिर, ठीक है। चलिए अब कॉम्पिटिटिव में KM को बढ़ाना है, समझ लीजिए बस ऐसे क्वेश्चन को जो है अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें कैसे आपको ड्रॉ करना चाहिए ग्राफ को, तो आपको पता है कि विदाउट इनहिबिटर KM ये था, अब KM इससे ज्यादा ही होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं कि देखो KM यहां पे आ रहा था, मैं इससे ज्यादा कोई एक पॉइंट यहां पे रख लेता हूं, ठीक है, एक पॉइंट आप KM के लिए रख लीजिए। KM जो है इससे आपने बढ़ा दिया, मतलब आपने थोड़ा सा आगे कर लिया KM, लेकिन मैंने Vmax को नहीं बचलना है, इसलिए अगर Vmax नहीं बदलेगा तो Vmax बाई 2 भी नहीं बदलेगा, इसलिए मैंने Vmax बाई 2 के लेवल को वही रखा है, सिर्फ KM के लेवल को बढ़ा दिया है, सिर्फ ये इसलिए कर दिया है क्योंकि Vmax नहीं बदलेगा तो Vmax बाई 2 भी नहीं बदलेगा, बात इतनी सी है। तो एक पॉइंट मैंने लिख बनाया है, ये है KM एपरेंट का, मैं इसको क्या लिखूंगा, KM प्राइम या KM एपरेंट, यही होगा ना इनहिबिटर वाला, ठीक है। और इसी तरीके से मैं एक Vmax लिखूंगा, लेकिन वो Vmax देखो मैं इसी पॉइंट जो है उसके करीब ही बना रहा हूं, जो मेरा ये वाला इनहिबिटर के बिना था। अब ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, लाइक दिस वन। अभी समझ में आया होगा कि आप देखिए दोनों ग्राफ का जो विथ इनहिबिटर था, ठीक है, जिसमें अल्फा की वैल्यू मैंने 2 शो करी थी, उस विथ इनहिबिटर वाले ग्राफ में भी आपका वीमैक्स लगभग करीब है जो विदाउट इनहिबिटर था। अब इसमें आपको वीमैक्स में अंतर नहीं समझ में आएगा, यहां पे दोनों का क्या दिख रहा है आपको, वीमैक्स सेम दिख रहा है, वीमैक्स क्या है दोनों का, कॉन्स्टेंट सेम। अरे हाँ या ना, ड्रॉ समझ में आ रहा है ना, वीमैक्स कॉन्स्टेंट, और KM क्या हो गया, KM इंक्रीज हो गया। तो ये कौन सा इनहिबिटर है, कॉम्पिटिटिव, ठीक है, ये KM और Vmax का कहानी कॉम्पिटिटिव के लिए था। अब मैं इसी का LB प्लॉट बना रहा हूं, समझिएगा, LB प्लॉट में देखिए मैं अब मैं एक्स एक्सिस पे रखूंगा 1/S और वाई एक्सिस पे रखूंगा 1/V। नॉर्मल ग्राफ को जब आप प्लॉट करते हो
तो नॉर्मल ग्राफ को जैसे प्लॉट किए तो ये जो है मैंने ऐसा इसको शो कर दिया। ठीक है, ठीक है। अब इस ग्राफ को जब आप मेंशन करते हैं तो इसमें ये वाला जो एक्सिस होता है, ये जो ग्राफ है वो लीनियर है। इसका स्लोप आप जानते हो कि स्लोप जो होता है वो के एम अपॉन वी मैक्स होता है। मैं एल बी प्लॉट की जब बात करता हूँ, ये जो है वो नो इनिबिटर का प्लॉट है। नो इनिबिटर का मतलब अल्फा की वैल्यू जो है वो क्या होगी, 1। ठीक है, ये जो इंटरसेप्ट है, ये इंटरसेप्ट क्या होता है, 1/V max। ठीक है, 1/V max है। और ये जो इंटरसेप्ट है ये क्या होता है, -1/Km। अब एक बात बताइए कि यहां पे 1/Km डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये जो पॉइंट है 1/Km, ये डिक्रीज होगा तो ये इधर की तरफ आएगा, हाँ या ना, ये इधर की तरफ देखो डिक्रीज होकर इधर की तरफ आएगा। और वी मैक्स क्या था, कांस्टेंट था, यानी 1/ देखो 1/Km से 1/Km एपरेंट आपने डिक्रीज करा दिया, लेकिन जो 1/Vmax था वो कांस्टेंट था तो वहीं पे रहेगा। 1/Km को आपने डिक्रीज करा के कांस्टेंट को वही रखा तो ये कहानी आपके साथ बनती हुई नजर आएगी कुछ ऐसे। देखो ये जाएगा ग्राफ, जब अल्फा की वैल्यू जो है वो 2 हो जाए या यहाँ पे इनहिबिटर का कॉन्सेंट्रेशन आपने आई रख दिया था तो ये कहानी बनी, मतलब ग्राफ जो है वो इधर की तरफ शिफ्ट हो रहा था। अब अगर आप थोड़ा सा और इनहिबिटर को बढ़ाइए तो केएम और बढ़ेगा, और केएम और बढ़ेगा तो 1/Km और डिक्रीज होगा, तो ये और डिक्रीज होगा तो और इधर की तरफ आएगा 0 के करीब, और डिक्रीज हो गया। और 1/Vmax क्या अभी बढ़ेगा कि अभी कांस्टेंट ही रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, क्यों, क्योंकि कॉम्पिटिटिव है। तो अब इसके बाद स्ट्रेट लाइन इसको यहां से बनाओ, देखो आप 1/Km से 1/Vmax से जो 2 लाइन स्ट्रेट पास करो तो पास करोगे तो वैसे जा रहा, यानी ये फिर से इधर की तरफ पड़ रहा है। अल्फा की वैल्यू यहाँ पे अब 3 हो गई, या आई की वैल्यू जो है या आप 2i आपने रख दिया कुछ इस तरीके से। तो जैसे जैसे इनहिबिटर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ग्राफ जो है वो एंटी क्लॉकवाइज की तरफ शिफ्ट हो रहा है, किधर शिफ्ट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये कहानी हो गई। अब ये जो है लाइन अगर देखें तो ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट कहां कर रही है, वाई एक्सिस पे 1/Vmax कॉन्स्टेंट की वजह से। तो ये जो लाइन है इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, कैसी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स एट वाई एक्सिस, ये है कहानी। वाई एक्सिस क्या है, ये आपका वाई एक्सिस है। तो कैसे ग्राफ को प्लॉट करना है, सिर्फ 2 पॉइंट को रखना है, आप जो 1/Vmax 1/Km बढ़ रख के रहे हैं कि घट रहे हैं, बस आप उसके एक एक पॉइंट को लिख डॉट करिए और बढ़ा दीजिए, मतलब स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए। और वही काम आपको यहाँ पे भी करना है, पॉइंट को लिखिए ड्रॉ करिए, ठीक है, आपका पूरा गेम बन जाएगा। वहां पे आप जो है रखिए और फिर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए, फिर से आपको और एक कंसंट्रेशन पे चेक करना, और 1/Km को घटाया, फिर आपने 1/Vmax को कॉन्स्टेंट रखा, ड्रॉ किया, बन गया ग्राफ। दिस इज योर कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। कौन सा ग्राफ है ये, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन का। ठीक है, अब अगर मैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन की बात करूं तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन का मैंने बेसिक्स आपको बताया था कि यहाँ पे इनिबिटर जो है वो एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड करता है, और एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड करता है और सब्सट्रेट के बाइंडिंग पे उसकी डिपेंडेंसी है ही नहीं। तो जब उसकी डिपेंडेंसी है ही नहीं तो काम यहाँ पे बन जाएगा, काम बनाइए जरा सा। मैंने काइनेटिक्स को यहाँ पे शो किया हुआ है, और फिर वही के आई और आई वाला फॉर्मूला आप जानते ही हो। यहाँ पे माइकलिस मेंशन में आप क्या मेंशन करोगे कि के एम कॉन्स्टेंट है जबकि वीमैक्स जो है वो घट रहा है, तो आप वीमैक्स बाई अल्फा करोगे, और सिमिलरली जो है वो एल बी प्लॉट में भी वीमैक्स बाई अल्फा करोगे। अब एक बात बताओ कि अगर वीमैक्स जो है वो घट रहा है, वीमैक्स घट रहा है और के एम क्या है, यहाँ पे के एम जो है कॉन्स्टेंट है, तो बस इसी कहानी पे चलो। अब देखो इस ग्राफ को, अब यहाँ पे जो है इस इक्वेशन को ड्रॉ किया गया, अब कुछ है नहीं, एकदम सिंपल सा, ये है और ये आपका वी है, दोनों तरफ आपने रखा, एक तरफ जो है वो सबस्ट्रेट को रख दिया और एक तरफ वेलोसिटी को रख दिया। एक ग्राफ को आपने प्लॉट किया विथ नो इनिबिटर, जहां पे अल्फा की वैल्यू जो है वो आपने 1 रखी हुई थी। अब नो इनिबिटर के पे जो ग्राफ है वो वीमैक्स यहाँ पे आया रहे और इसका हाफ ऑफ द वीमैक्स यहाँ पे ही। अब हाफ ऑफ द वीमैक्स से चीजें आपको पता तो चल गई कि चलो ठीक है ये कैसे आ रहा है। अब नाउ इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि आपको के एम कॉन्स्टेंट रखना है लेकिन वीमैक्स को घटाना है। अब वीमैक्स का पॉइंट देखो इसका यहाँ पे है,
अब इस वीमैक्स को घटा के आप कहां पे लेके आए, यहां पे आपने वीमैक्स को घटा दिया, नीचे रख दिया, एक पॉइंट नीचे कर दिया वीमैक्स को। लेकिन अब इस वीमैक्स जो आपका नया वाला वीमैक्स आ रहा है, इस नए वाले वीमैक्स को अगर आप देखते हैं तो नया वाला वीमैक्स और उसका वीमैक्स बाई टू अगर दोनों को रखते हैं तो आप ये पाते हैं कि दोनों में भी कोई ज्यादा, मतलब जब नए वाला वीमैक्स आपके पास आया था या जिसे आप बोलते हैं वीमैक्स एपरेंट इनिबिटर वाला, उसके बाद ये जो है वीमैक्स एपरेंट बाई टू अगर आप देखते हैं तो दोनों ही केएम और केएम एपरेंट एक ही जगह पे आ रहे हैं। आ रहे कि नहीं आ रहे, देखो यहीं पे आ रहे दोनों सेम पॉइंट पे आ रहे। सो दैट्स द केस। तो ये कहानी आपके साथ, इसमें आपको केएम नहीं बदलना था, इसलिए एक पॉइंट आपने यहां रखा, एक पॉइंट यहां रखा, आपने इसे ड्रॉ करके बना दिया कि भैया ये है मेरा विथ इनिबिटर। अगर आपको फिर से जो है अगर एक और बनाना होता तो आप एक केएम को नहीं बदलना था तो एक पॉइंट यहां रखते, वीमैक्स को और घटा देते, ऐसे करके फिर से यहां से ऐसे ड्रॉ कर देते लाइक दिस वन, ये हो जाता और वीमैक्स घट गया लेकिन केएम अभी भी चेंज नहीं होगा। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स जो है वो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो और देखोगे तो यहाँ पे जो है आपका वीमैक्स घट रहा है, मतलब ये वाई एक्सिस जो है ये घटता हुआ जा रहा है, एक्स एक्सिस केएम का अभी भी वही है, वो बदल नहीं रहा है। ठीक है, यही चीज जो है आपको समझनी थी, यही चीज जो है वॉइड एंड वॉइड के डायग्राम में गड़बड़ था। इसमें देखो तो इसमें आपको वीमैक्स भी घटता हुआ नजर नहीं आ रहा है, देखो वीमैक्स घट रहा है, यहां से घट रहा है, इसका घट रहा है वीमैक्स। तो ये कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर का ग्राफ एग्जैक्टली नहीं है, त्रुटि है इसमें। तो इसलिए मैंने इस आप जो है करेक्ट इंफॉर्मेशन के हिसाब से ऐसा बनाया जिसमें कि आपका वीमैक्स कॉन्स्टेंट है, सिर्फ केएम जो है वो बढ़ रहा है। तो दिस इज समथिंग जो है आप देख सकते हैं। नॉन कॉम्पिटेटिव के बाद जो है अब नॉन कॉम्पिटेटिव का ये ग्राफ जो है वो माइकलिस मेंशन का, अब माइकलिस मेंशन ग्राफ के बाद आप उसका जो है एलबी ग्राफ जो है बना सकते हैं। एलबी ग्राफ कैसे बनाएंगे आप, अगर वीमैक्स घट रहा है तो वन अपॉन वीमैक्स क्या होगा, बढ़ेगा। वन अपॉन वीमैक्स क्या होगा, वन अपॉन वीमैक्स जो है इंक्रीज होगा, और अगर वन अपॉन वीमैक्स केएम जो है कॉन्स्टेंट है तो वन अपॉन केएम क्या होगा, वन अपॉन केएम कॉन्स्टेंट होगा। बस सीधी सी कहानी वही हो जाएगी। अब इसमें अगर आपने कोई एक ग्राफ प्लॉट किया है और वो विथ इनिबिटर का है, मान लो कि ये आपने ग्राफ प्लॉट किया जो विथ इनिबिटर का ग्राफ जो है वो आपके पास है। अब इस विथ इनिबिटर के ग्राफ में, मतलब यहाँ पे नो इनिबिटर है, कोई इनिबिटर नहीं है, तो इसका जो इंटरसेप्ट है वो है वन अपॉन वी मैक्स और ये है माइनस वन अपॉन के एम। अब आपको दूसरा ग्राफ कहां से लिख, एक जनरल आप देखोगे तो वन अपॉन के एम तो बदलने वाला नहीं है, वन अपॉन वी मैक्स को आपको बढ़ा देना है, तो वाई एक्सिस पे इसको बढ़ा के जब इनिबिटर के साथ आपने ऊपर कर दिया तो दूसरा ग्राफ आ गया, ये आपके पास इनिबिटर का ग्राफ है। फिर और अगर इनिबिटर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो और फिर वन अपॉन वी मैक्स ऊपर भागेगा, यहाँ पे वन अपॉन वी मैक्स ऊपर भाग रहा है तो जिस वजह से वन अपॉन वी मैक्स जा रहा है, और ये ग्राफ अगेन नो इनिबिटर से लेके जैसे जैसे इनिबिटर बढ़ रहा है अगेन ये ग्राफ किधर की तरफ मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज की तरफ भाग रहा है। तो ये है किसका, नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिशन का ग्राफ, किसका ग्राफ है, नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिशन का। अगर थोड़ा सा बुद्धि विवेक का प्रयोग करो तो कॉम्पिटेटिव इनिबिशन का जो भी एलबी प्लॉट का ग्राफ था वो भी इंटरसेक्टिंग लाइन था, मतलब इंटरसेक्ट कर रहे थे, लेकिन इंटरसेक्ट कहां पे कर रहे थे, एट वाई एक्सिस पे, कहां पे कर रहे थे, वाई एक्सिस पे। अगर आप देखोगे तो जो नॉन कॉम्पिटेटिव का ग्राफ है ये भी इंटरसेक्टिंग है, कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एट एक्स एक्सिस पे, ये भी इंटरसेक्टिंग है, ये भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं इंटरसेक्टिंग एट एक्स एक्सिस पे, अगर और वो भी नेगेटिव एक्स एक्सिस पे या पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो आपका नॉन कॉम्पिटेटिव, और अगर जो है वाई एक्सिस पे, देखो एक्स एक्सिस पे कर रहे हैं तो नॉन कॉम्पिटेटिव, वाई एक्सिस पे कर रहे हैं तो कॉम्पिटेटिव, ये कहानी आपको ध्यान रखना कि किस पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अभी इसके बाद आगे थोड़ा चलते हैं और मिक्स्ड और अनकॉम्पिटेटिव का भी देख लेते हैं। तो अब अनकॉम्पिटेटिव में मैंने ये बताया था कि आपका एंजाइम पहले सब्सट्रेट से बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद कॉन्फॉर्मेशनल चेंज करेगा, तब जाके इनहिबिटर बाइंड करेगा और फिर उसका काइनेटिक्स जो है वो बनेगा, वही डायग्राम जो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ वही फिर आपको यहाँ पे इक्वेशन के तौर पे समझाया जा रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है कि केएम और वीमैक्स दोनों ही, केएम भी डिक्रीज होता है और एज वेल एज वीमैक्स भी डिक्रीज होता है। अगर केएम डिक्रीज हो रहा है और वीमैक्स भी डिक्रीज हो रहा है तो वन अपॉन केएम क्या होगा, इंक्रीज होगा, और वन अपॉन वीमैक्स क्या होगा, वो भी इंक्रीज होगा।
बस चलिए, तो अब इस ग्राफ को समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे जो है इस तरीके का एक एक्स एक्सिस यहाँ मेंशन किया गया है, और ये जो है वो है आपके पास वाई एक्सिस, दैट इज वी। पहले मैं माइकलिस मेंशन के ग्राफ की बात करूँ, अब इसमें मैं नॉर्मल एक ग्राफ को मेंशन करूँ, तो इस ग्राफ को देखिए कि ये जो ग्राफ है वो एक नॉर्मल ग्राफ जैसा है, मतलब विदाउट इनहिबिटर। नॉर्मल ग्राफ का मतलब विदाउट इनहिबिटर ग्राफ। तो आपने इस विदाउट इनहिबिटर या नो इनहिबिटर का जो है वो ग्राफ यहाँ पे रखा, और नो इनहिबिटर का मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो इसके हिसाब से ये जो पॉइंट होगा वो होगा वी मैक्स, उस वी मैक्स का वी मैक्स बाई 2 यहाँ पे होगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? ये इसके हिसाब से वी मैक्स, उसका वी मैक्स बाई 2 है, और ये वैल्यू आ गई के एम, उसी के हिसाब से यहां से। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर अनकॉम्पिटेटिव इनहिबिटर होगा तो वी मैक्स रिड्यूस होगा, यानी अब यहां से वी मैक्स को रिड्यूस करके नीचे ले गया, ये तो आपने एक नीचे पॉइंट बना दिया, वी मैक्स को रिड्यूस कर दिया, और वी मैक्स के साथ साथ और क्या रिड्यूस हो रहा है, के एम। तो पहले के एम ये था, इसके पीछे के एम को रिड्यूस करके आपने ये कर दिया, तो आपने वी मैक्स को रिड्यूस करा, और वी मैक्स को रिड्यूस कराएंगे तो वी मैक्स का जो है यहाँ पे वी मैक्स अपेरेंट अलग आएगा, तो दिस इज योर वी मैक्स अपेरेंट। और वी मैक्स अपेरेंट आएगा तो ऑब्वियस सी बात है उसका वी मैक्स अपेरेंट का जो है वो बाई 2 पे जो होगा वो के एम अपेरेंट आएगा, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा ध्यान दो तो वी के एम भी घटा हुआ है और वी मैक्स भी घटा हुआ है, जो अपेरेंट वाला किस्सा है या जो इनिबिटर वाला किस्सा है जिसमें अल्फा की वैल्यू 2 या उससे ज्यादा है, तो ये इस तरीके का कि अगर आप देखें ध्यान से तो क्या हो रखा है कि यहां से के एम भी इधर की तरफ घट रहा है और इधर से वी मैक्स भी घट रहा है, तो दोनों घट रहे हैं के एम और वी मैक्स, तो एक कौन सा इनहिबिटर हुआ, दैट इज अनकॉम्पिटेटिव। ये माइकलिस मेंशन का ग्राफ है। ठीक है, अब इसी का एलबी ग्राफ देखो। अब अगर के एम भी घट रहा है तो 1/KM बढ़ेगा, और अगर वी मैक्स घट रहा है तो 1/VMAX भी बढ़ेगा, तो बढ़ाइए। अगर मैं नॉर्मल ग्राफ की बात कर लेता हूं तो नॉर्मल ग्राफ जो है वो आपको कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है। ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, दिस ग्राफ इज एक्चुअली द नॉर्मल वन, मतलब विदाउट इनहिबिटर है, व्हेन अल्फा की वैल्यू जो है वो 1 है, और अल्फा की वैल्यू 1 है तो आप नो इनहिबिटर शो कर रहे हो। अब इसके बाद ये पॉइंट जो है जो होगा वो होगा आपके पास 1/VMAX, नॉर्मल 1/VMAX होगा, और ये वैल्यू जो होगी वो होगी 1/KM माइनस। अब क्या है कि अब 1/VM भी बढ़ रहा है तो आप उसको ऊपर बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा ऊपर आपने एक पॉइंट इधर रख दिया, और जितना 1/VMAX बढ़ेगा उतना ही 1/KM भी बढ़ेगा, क्योंकि दोनों में ही अल्फा फैक्टर है, तो जो चेंज है वो दोनों में बराबर होगा। तो फिर आप इस दोनों को आप ड्रॉ करोगे, तो जब जैसे ही यहां से यहां तक आप ड्रॉ करोगे, फिर यहां से यहां तक एक ये बने इनिबिटर के साथ बढ़ेगा, फिर उसके बाद अब फिर से आप क्या करोगे, कहोगे कि नहीं और इनहिबिटर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओ, तो और 1/VMAX बढ़ेगा और 1/KM बढ़ेगा, आपने बढ़ा दिया, फिर से एक पॉइंट आपने जितना दोनों में इक्वल बढ़ा के पॉइंट मेंशन किया, फिर से आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, तो ये आप देख पा रहे हो कि इसमें जो इनहिबिटर बढ़ा रहे हैं, वैसे तो अगेन वही चीज हो रहा है कि कैसा मूव कर रहा है इनहिबिटर के साथ साथ ये ग्राफ, एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही जा रहा है, लेकिन इसमें कोई भी इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं मिल रही है। ये लाइन कैसे मिल रही है, पैरेलल लाइन मिल रही है, तो आप इसे पैरेलल लाइंस के तौर पे शो कर सकते हो। सो दिस इज अनकॉम्पिटेटिव इनहिबिशंस। अगर एक्स एक्सिस था, एक्स एक्सिस पे कट हो रहा था तो नॉन कॉम्पिटेटिव, वाई एक्सिस पे कट हो रहा था तो कॉम्पिटेटिव, और अगर किसी पे कट नहीं हो रहा है, पैरेलल लाइंस है, तो वो हो जाता है आपका अनकॉम्पिटेटिव। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद मिक्स्ड की बात करते हैं। अब देखो, अगर नॉन कॉम्पिटेटिव और मिक्स्ड दोनों एक ही होता ना, तो दोनों का ग्राफ एक ही आना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, अगर जैसे कि वॉइट एंड वॉइट में शो किया, लेनिंजर में शो किया, कि उन्होंने मिक्स्ड इनहिबिशन को सिर्फ बताया है, नॉन कॉम्पिटेटिव को छोड़ दिया, कहा कि जो मिक्स्ड है वही नॉन कॉम्पिटेटिव है, तो दोनों का ग्राफ भी सेम आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। मिक्स्ड इनहिबिशन का मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया, और इसमें मैंने बताया कि मिक्स्ड इनहिबिशन में के एम जो है वो क्या होता है, के एम यहाँ पे इंक्रीज होता है और वी मैक्स जो है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, तो अब के एम इंक्रीज और वी मैक्स इंक्रीज, अब ये फर्क आपको समझ में आ रहा होगा कि दोनों में अंतर। अब इसका ग्राफ देखिए जरा सा, के एम इंक्रीज और वी मैक्स डिक्रीज का, तो सी ईयर, अब ये जो केस है, एक आपने सब्सट्रेट को इधर शो किया होगा और जो है वेलोसिटी को इधर शो किया, एक ग्राफ में आपने नो इनहिबिटर का केस यानी आई को शो किया,
अब इस ग्राफ को थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले हटा देता हूँ इस वाले जो बना हुआ, तो आपको ज्यादा वो। अब इस ग्राफ के बेसिस पे आप देखोगे तो इसका आपने वी मैक्स दिया, और इस ग्राफ का जो है वी मैक्स बाई टू आपका यहाँ पे आ रहा है, और इस वी मैक्स बाई टू से आपका के एम आ गया जो कि विदाउट इनिबिशन इस तरीके से। अब आपको पता है कि ड्यूरिंग द मिक्सड इनिबिशन के एम की वैल्यू जो है वो बढ़ने वाली है, और वी मैक्स की वैल्यू जो है वो क्या होने वाली है, घटने वाली है। तो आप वी मैक्स को यहां से उठा के यहाँ पे घटा दीजिए, भाई मैं एक पॉइंट इधर की तरफ रख दिया, नीचे की तरफ ले आया, घटा के वी मैक्स घट गया मेरा जब अल्फा की वैल्यू जो है टू हो गया या इनिबिटर आ गया तो, और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू जब वन था तो आपने ये किया था। और के एम को बढ़ाना है, यानी के एम यहाँ नहीं आना चाहिए, के एम मान लो मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ कि के एम इधर की तरफ आ रहा है तो बस आपने के एम बढ़ा दीजिए तो ये वी मैक्स इस तरीके से ग्राफ आएगा। अब इस ग्राफ में देखोगे तो आपके पास जो है कंडीशन क्या बना, इस ग्राफ में कंडीशन ये बना कि देखिए वी मैक्स तो घट गया लेकिन केएम क्या हुआ, केएम क्या हुआ, बढ़ गया। केएम जो है केएम एपरेंट जो है वो बढ़ गया, वो इंक्रीज हो गया, और जबकि वी मैक्स एपरेंट जो है अगर आप देखें तो वी मैक्स एपरेंट जो है वी मैक्स से घट गया है और केएम एपरेंट केएम से बढ़ गया है। तो दिस ग्राफ इज द मिक्सड इनहिबिशन ग्राफ, दिस इज नॉट एग्जैक्टली सिमिलर टू द नॉन कॉम्पिटेटिव। अब नॉन कॉम्पिटेटिव के ग्राफ को देखोगे तो उसमें ग्राफ ऐसा नहीं था, उसमें के एम दोनों बराबर थे एक्सिस पे, इसमें जो है के एम क्या हो रहा है कि बढ़ रहा है, तो दैट्स वाई ये जो ग्राफ है वो एग्जैक्टली सिमिलर नहीं है। और इसी वजह से जो है आपका एल बी ग्राफ भी अलग आता है, जब के एम बढ़ रहा है तो वन अपॉन के एम आप क्या करोगे, वन अपॉन के एम जो होगा वो घटेगा, और अगर वीमैक्स घट रहा है तो वन अपॉन वीमैक्स क्या करोगे, वन अपॉन वीमैक्स को जो है वो बढ़ाओगे। तो अब इसी चीज को देखिए कि अगर ये वाला ग्राफ जो मैं शो कर रहा हूं, यहाँ पे अल्फा वन को शो किया गया, दिस ग्राफ मैंने हाईलाइट कर दिया है, अगर ये ग्राफ जो है अल्फा वन यानी कि जो है नो इनिबिटर का ग्राफ है तो इसमें ये वाला जो पॉइंट होगा वो वन अपॉन के एम का होगा और ये वाला पॉइंट वन अपॉन वीमैक्स का होगा। अब अगर जो है इनिबिटर बढ़ाएंगे तो वन अपॉन वीमैक्स ऊपर की तरफ बढ़ेगा क्योंकि वो बढ़ रहा है, लेकिन वन अपॉन के एम घट रहा है तो वो जीरो की तरफ भागेगा। तो एक पॉइंट आपने यहाँ ड्रॉ किया और ये किया, एंड जैसे ही आपने किया तो आपके पास जो है वो इसको अब दोनों लाइन को मिलाते हुए एक लाइन आप स्ट्रेट ड्रॉ कर रहे हो तो वो ऐसे जा रहा है। सिमिलरली जो है अगर फिर आपको और इनिबिटर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया तो और वन अपॉन के एम घटेगा और वन अपॉन वी मैक्स बढ़ेगा, अगर आपने और घटाया तो वन तो ये और घटते हुए चला जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो ग्राफ आप देख पा रहे हो जो अल्फा की वैल्यू बढ़ती हुई चली जा रही है या जिसको आप बोल सकते हैं कि इनहिबिटर बढ़ता हुआ जा रहा है, अगेन ये ग्राफ भी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। ये ग्राफ भी देखोगे तो जैसे जैसे इनहिबिटर बढ़ रहा है एंटी क्लॉकवाइज ही मूव कर रहा है इधर से, लेकिन ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है वो एक्स एक्सिस पे नहीं कर रहा है, मिक्स्ड इनहिबिशन जो है ना ही इस, देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट तो कर रहा है ये, लेकिन इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे या इन बिटवीन एक्स एंड वाई, इन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो अगर एक्स होता तो नॉन कॉम्पिटेटिव होता, वाई होता तो कॉम्पिटेटिव होता, दोनों के बीच में है तो क्या होगा, मिक्स्ड। तो आप मिक्स्ड को ही नॉन कॉम्पिटेटिव बोल सकते कि नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते, समझ में आई बात। तो ये चीज जो है वो आपको पल्ले पड़नी चाहिए कि आखिर में कहां पे क्या हो रहा था। ठीक है, सो ये जो है इंफॉर्मेशन होप कि आपको दिमाग में समझ में आ गया होगा। क्या जैसा कि मैंने बताया कि आपके पास जो है वो अगर एक्स एक्सिस पे कोइंसाइड कर रहा है तो वो आपका नॉन कॉम्पिटेटिव होगा, वाई एक्सिस पे कर रहा है तो कॉम्पिटेटिव होगा, मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है, तो अगर दोनों के इन बिटवीन कर रहा है तो वो आपका क्या हो जाएगा, मिक्स्ड हो जाएगा, और अगर जो है पैरेलल है तो वो अनकॉम्पिटेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसका न्यूमोनिक्स जो है आप अपने हिसाब से कोशिश कर लेना, नहीं तो जो है आप जो है अपने कोई भी निमोनिक्स तैयार कर सकते हो जैसा भी आप चाहे। ठीक है।